साड़ी तोड़ निभायो जी गुरु जी, मैं लड़ लगे हैं तेरे। साड़ी तोड़ निभायो जी गुरु जी, मैं लड़ लगे हैं तेरे। साड़ी तोड़ निभायो जी गुरु जी, मैं लड़ लगे हैं तेरे। साड़ी तोड़ निभायो जी गुरु जी, मैं लड़ लगे हैं तेरे। तोड़ निभायो जी गुरु जी, मैं लड़ लगे हैं तेरे। साड़ी तोड़ निभायो जी गुरु जी, मैं लड़ लगे हैं तेरे। मैं लड़ लगे हैं तेरे, मैं लड़ लगे हैं तेरे। मैं लड़ लगे हैं तेरे, मैं लड़ लगे हैं तेरे। मैं लड़ लगे हैं तेरे, मैं लड़ लगे हैं तेरे। मैं लड़ लगे हैं तेरे बाबा जी, मैं लड़ लगे हैं तेरे। मैं लड़ लगे हैं तेरे बाबा जी, मैं लड़ लगे हैं तेरे। मैं लड़ लगे हैं तेरे, मैं लड़ लगे हैं तेरे। सानू छड़ के ना जायो जी, सानू छड़ के ना जायो जी बाबा जी, मैं लड़ लगे हैं तेरे। साड़ी तोड़ निभायो जी गुरु जी, मैं लड़ लगे हैं तेरे। साड़ी तोड़ निभायो जी गुरु जी, मैं लड़ लगे हैं तेरे। साड़ी तोड़ निभायो जी गुरु जी, मैं लड़ लगे हैं तेरे। सारी संगत साड़ी तोड़ तेरे। सारी संगत साड़ी तोड़ मैं लड़ लगे हैं तेरे, मैं लड़ लगे हैं तेरे। साड़ी तोड़ निभायो जी, साड़ी तोड़ निभायो जी बाबा जी, मैं लड़ लगे हैं तेरे। साड़ी तोड़ निभायो जी गुरु जी, मैं लड़ लगे हैं तेरे। साड़ी तोड़ निभायो जी गुरु जी, मैं लड़ लगे हैं तेरे। साड़ी तोड़ निभायो जी गुरु जी, मैं लड़ लगे हैं तेरे। सारी संगत साड़ी तोड़ साड़ी तोड़ गुरु जी, मैं लड़ लगे हैं तेरे। वाहे गुरु धन, वाहे गुरु, 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 वाहे गुरु गुरु धन्य गुरु।
गुरु आहे 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 मैं लड लगया तेरे मैं लड लगया तेरे सातो नाम जपायो जी सेवा सिमरन करायो जी बाबा जी मैं लड़ लगे ते सातो नाम जपायो जी बाबा जी मैं लड़ लगे तेरे सातो नाम जपायो जी बाबा जी मैं लड़ लगे तेरे सातो नाम जपायो जी बाबा जी मैं लड़ लगे तेरे संगत बोले नाम जपायो सातो नाम जपायो जी बाबा जी मैं लड़ लगे तेरे गज के फतेह बुलाउणी है होले महल्ले दा दिहाड़ा है दशमेश पिता दी बख्शी हुई फतेह गज के बुलाओ वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह दी बेस कट कर दे ट्रिबल वधा दे बेस बिल्कुल बंद कर दे प्यारी साथ संगत एक बार सुरतियां बिरतियां आनंदपुर साहब ले चलिए श्री आनंदपुर साहब केसगढ़ की धरती का ध्यान धरके आखो सतनाम श्री वाहे गुरु जी सच्चे पातशाह का गड़वई है उदा नाम सी भाई जग्गा बड़ी सेवा करता है सत बचन करता है बड़ी करड़ी सेवा है गुरपीरां की चाकरी महाकरड़ी सुखसार सेवा है भी बड़ी करड़ी पर सुख देन वाली है भाई जग्गा करदा सेवा ते उदा मन निर्मल हो गया सेवा करदा सिमरन करदा बाबा जी दे नाम विच रत्या होया है रत्ते सेज मुख ना मुड़न अद्धी रात भी जे गुरु साहब आवाज मारदे है ते भज्या ही जांदा है जिवें बाबा ईश्वर सिंह जी ने सेवा कीती बाबा आनंद सिंह जी दी आखो वाहिगुरु वाहिगुरु साध संगत प्यार नाल बोलो उथे कुछ रहन वालिया ने बड़ी ईरखा कीती कि महाराज बार बार इनू ही आवाज मारदे है भाई जग्गा असी दींदे ही नहीं महाराज नूं ईरखा दे वस विच होए जदों बंदा जैलस करदा है ईरखा करदा है फिर ईरखा तो बाद निंदिया शुरू कर दिंदा है निंदिया पता कौन करदा हुंदा है जेड़ा दूजे दी तरक्की वेख के जैलस करदा है वो उहदी पिठ पिछे निंदिया जरूर करदा है आखो वाहेगुरु वाहेगुरु पिंडां च देख लो घरां च वेख लो रिश्तेदारियां च वेख लियो ईरखा दा वस होया बंदा निंदिया करदा है फिर मालक इस तात पराई तो इस द्वैत तो बचाई रखन अपने संगियां नू आखो वाहेगुरु वाहेगुरु किसे दी चढ़दी कला वेख के अरदास करिया करो सच्चे पातशाह जिमें इहते कृपा कीती है
ਇਦਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹਾਮੰਤਰ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਝੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸੁਖੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਕਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਰੱਖੋ ਚੀਤ, ਤੁਮਕੋ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਭਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ, ਬਸ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਾਏ ਦਾ ਬੁਰਾ ਸੋਚਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ। ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਨਿੰਦਿਆ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਜੱਗਾ ਜੀ ਦੀ, ਪਰ ਭਾਈ ਜੱਗੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਿ ਹਮਰੇ ਕਪੜੇ ਨਿੰਦਕ ਧੋਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਬਚਨ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਮੈਲ ਧੋਈ ਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਨਾਲ ਜਿਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੈਲਾ ਸਾਫ ਕਰਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਬਿਨ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਭਾਰ ਢੋਏ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹੀਏ 100 ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਲਾ, ਆਹ ਮੇਰਾ ਬੈਗ ਚੱਕ ਤੇ GT ਰੋਡ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਭਾਰ ਲਵਾ ਕੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਚ ਹੀ ਸਾਡਾ ਭਾਰ ਚੱਕਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਤਾਂਹੀਓ ਆਖਿਆ ਨਾ ਨਿੰਦੋ ਨਿੰਦੋ ਮੋਕੋ ਲੋਕ ਨਿੰਦੋ, ਨਿੰਦਾ ਜਨ ਕੋ ਖਰੀ ਪਿਆਰੀ। ਖਰੀ ਪਿਆਰੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ, ਜਿੰਨੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਨੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੋ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਬੜੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਛੱਡੀ ਨਾ। ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੀ ਆਦਤ ਚੰਗੀ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਉਲਟੀ ਕਰ ਲਾ, ਪੁੱਠੀ ਕਰ ਲਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿੰਦਿਆ ਆਪਣੀ ਸੁਣਿਆ ਕਰ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਹਮ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਤਾਰੇ ਸੋਏ ਕਬੀਰ ਸਭ ਤੇ ਹਮ ਬੁਰੇ, ਹਮ ਤਜ ਭਲੋ ਸਭ ਕੋਏ, ਜਿਨ ਐਸਾ ਕਰ ਬੁਝਿਆ ਮੀਤ ਹਮਾਰਾ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਮੁਕਾਵਾਂ, ਈਰਖਾਲੂਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗਏ ਤੇ ਭਾਈ ਜੱਗੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਨਿਆ ਫਿਰ ਬੰਨ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ, ਨੀਲ ਪਾਤੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ। ਸਵੇਰੇ ਉਹ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਡੀਕਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੱਗਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਤਾ ਲਿਆਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲ ਪਏ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਕੁਟੀਆ ਵੱਲ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਆਪ ਆ ਗਏ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਬੂਹਾ ਖੋਲਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜੱਗਿਆ ਤੇਰਾ ਆਹ ਹਾਲ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਤੂੰ ਨਾਂ ਤਾਂ ਲੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਕਹੇਗਾ ਸੀ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਕਹੇਗਾ ਮਸੰਦਾ ਵਾਂਗੂ ਕੜਾਹਿਆਂ 'ਚ ਤਲ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਜੱਗੇ ਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਜ਼ਾ ਕਾਹਦੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਝੜ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਨਿਮਰਤਾ, ਫਰੀਦਾ ਜੋ ਤੈ ਮਾਰਨ ਮੁੱਕੀਆਂ, ਤਿੰਨਾਂ ਨਾ ਮਾਰੇ ਘੁੰਮ ਆਪਣੜੇ ਕਰ ਜਾਈਏ ਪੈਰ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਚੁੰਮ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਹ ਰੰਗ ਲਾਇਆ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਸੱਦ ਲਏ ਸਾਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਅੱਜ ਕੁਝ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਕੀ ਕੌਤਕ ਕਰਨਗੇ? ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 3 ਗਾਗਰਾਂ ਮੰਗਾਈਆਂ ਘੜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ, ਇੱਕ 'ਚ ਪਾਤਾ ਪੱਥਰ, ਇੱਕ 'ਚ ਪਾਤੀ ਮੁੱਠੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ,
एक जपाता पतासा। आ जिन्नी संगत सुन रही है हुण निगाह मारियो असी केड़ी लाइन च है, केड़ी कैटागिरी च। महाराज कहिंदे एक घंटे बाद पत्थर कढ़िया, कहिंदे बई ये पत्थर कहिंदे ना खुरिया ना भिजिया, पत्थर तां पत्थर ही रह गया। आखो सतनाम वाहिगुरु। कहिंदे एक संगत विच इहो जे लोक आउंदे है जिन्हां दी मन बिरती पत्थर वर्गी कठोर है, उन्हां च दया नहीं, खिमा नहीं, प्रेम नहीं। वो सारी रात भी सुनते हैं ते अगले दिन जोड़े पाउन लग्या इत्थे ही ला जांदे आ सारा कुछ। आखो सतनाम वाहिगुरु। पत्थर दे पत्थर रह जांदे ने मनमुख, उन्हां दे जिनके चित कठोर है, उन्हां दे अंदर कठोर है, उन्हां दे बाणी असर नहीं करदी, असर नहीं करदी गुरु दी गल। एक ओ ने जेड़े मिट्टी वर्गे ने, जेड़े पै ता जांदे सतसंगत विच आ ता जांदे है, वो आप भी मैले है ते दूजियां नू भी मैले करदे। आखो सतनाम वाहिगुरु। किवें वह बह के इत्थे कमियां लभदे फिरदे आ, कमियां फलाना रागी की करदा, फलाने संत की करदे है, बस इत्थे कमरा नहीं मिलिया, कमियां लभदे फिरदे। ते अगले दिन जांदे फिर सारे राह मैला ही खिलारदे, मतलब निंदिया ही करदे जांदे। आखो सतनाम। ते तीजे हुंदे आ पतासियां वर्गे, जेडे गुरु दे दर ते आके इन्नी मिठास इन्नी निम्रता कि वह गुरु दे चरणा च एकमेक हो जांदे आ, गुरु दा रूप ही हो जांदे आ, मुड़ के लभदे नहीं, वह गुरु दा रूप ही हो गए। पतासे पानी च खुर के पानी नू भी मिठा कर गए। आखो सतनाम। गुरु गोर है, गुरु गुरबाणी ने उदाहरण बड़े तरह नाल दित्ती है, ते इत्थे कहा भी गुरु कबर वर्गा है, कहिंदे जिन्हू कोई थां नहीं झलदा कबर उहनू अपने च थां दिंदी है। आखो वाहिगुरु। फिर थोड़े दिनों बाद मुरदे नू अपना रूप बना लैंदी है कबर, मिट्टी मिट्टी च रल जांदी है। तीजी पड़दे कजदी है, सानू कजदी है मिट्टी। बाबा जी कहिंदे जिहड़ी गोर कबर है, गुरु कबर गोर वर्ग है कि जिहड़ा गुरु दे चरणा च आ गया, नाले तां गुरु पड़दे कजू उहदे, सतगुरु ढाक लिया मोहे पापी पड़दा। दूजा गुरु उहनू अपना रूप बनाऊगा, ते तीजा गुरु उहनू सदी वी काल वास्ते अपने चरणा च थां देऊगा। तो आओ भाई अज होला महला है, गुरु गोबिंद सिंह ने यह समत दिती भी पतासे वर्गे बनना, जे संगत विच आ गए तो फिर ये ना पता लगे कि मैं भी कुछ हैगा, बस गुरु का रूप ही हो जो आप गवाइए ता सौपाइए, और कैसी इन्नी क निम्रता ते मिठास होवे जेड़ा थोड़े नाल भी सत्संग करदा है, तुहाडा जीवन वेख के वह भी कवे कि धन बाबा आनंद सिंह जी तेरे घर की संगी है, तेरे घर दे इन्हां चों नाम बाणी दियां महकां आउंदियां। कह दिओ वाहिगुरु। आओ इको धारना पढ़ के फिर समाप्ति करिए। बाबा जी कुराली वालिआं ने 15 मिनट दिते, समा हो गया। आओ गज के गूंजां पा दिओ भाई सारे। यही अरदास है महापुरख पढ़ते हुंदे, जोगी कपड़े रंगाए मन क्यों नहीं रंगे है? एक बारी बोलो इदा ही, जोगी ते अगों जोगी जवाब दिंदा है, जे तेनू मन रंगाउण दा चाहो पहली पातशाही को ले जाओ, उत्थे आके सीस नवाओ मन जाऊ रंगया। गूंजा पा दिओ, पहला दास बोलूगा फिर जिन्ने भाई बैठे है संगी साथी नाल ये भी जथा, ते तीजे हिस्से विच माइया बीबियां बोलणगियां। गज के गूंजा पा दिओ। ते 13 मार्च रात नूं नवे साल का समागम रखिया तखाणबद्ध ईश्वर दरबार, तुहाडा घर है साध संगत बाबा आनंद सिंह बाबा ईश्वर सिंह का घर है, वह जिथे नवा साल समागम रखिया।
संत महाराज बाबा जी गुरजीत सिंह जी ने उन्हां दी कृपा सीस है ते उत्थे समागम रखिया 13 मार्च रात दा। सब ने हुम हुमा के पहुंचना, बस चढ़ के आना अंबरसर तरन तारन तो बसा भी चलनिया, जलंधर तो भी बसा आनिया ने। आप जी ने कॉन्टैक्टर कर लेना ते वध तो वध हाजरी भरनी 13 मार्च शामी 7 बजे तो रात 12 बजे तक, क्योंकि 12 बजे नवा साल चढ़ जाना है, तरीक बदल जानी है। फिर उस तो बाद आतिशबाजी बैंड पार्टियां सलामी देनगियां सतगुरु नू, नवे साल नू खुशामदीद कमांगे, फिर सब नू खुशियां मिलनगियां, महापुरख अपने हत्थी प्रसाद देणगे सारियां नू ते सबनी दर्शन देण दी कृपालता करनी। आओ पढ़िए फिर समाप्ति। हो जोगी कपने रंगाए मन क्यों नहीं रंगिया, जोगी कपड़े रंगाए मन क्यों नहीं रंगिया, कपड़े रंगाए मन क्यों नहीं रंगिया, जोगी कपड़े रंगाए मन क्यों नहीं रंगिया। बोलो जोगी कपड़े निवाओ मन जाओ रंगिया, इत्थे आके सीस निवाओ मन जाओ रंगिया, इत्थे आके सीस निवाओ मन जाओ रंगिया, इत्थे आके सीस निवाओ मन जाओ रंगिया। जोगी कपड़े रंगाए मन क्यों नहीं, जोगी कपड़े रंगाए मन क्यों नहीं रंगिया, कपड़े रंगाए मन क्यों नहीं रंगिया, जोगी कपड़े रंगाए मन क्यों नहीं रंगिया। बोलो जोगी कपड़े मन क्यों नहीं रंगिया, ओ जे तेनू मन रंगाउण दा चाओ मन रंगाउण दा चाओ, मन रंगाउण दा चाओ मन रंगाउण दा चाओ, जे तेनू मन रंगाउण दा चाओ, जे तेनू मन रंगाउण दा चाओ दसवें पातशाही कोल जाओ, जे तेनू मन रंगाउण दा चाओ गुरु गोबिंद सिंह कोल जाओ, गुरु गोबिंद सिंह कोल आओ, उत्थे जाके सीस निवाओ मन जाओ रंगे, जोगी कपड़े रंगाए मन क्यों नहीं रंगिया, जोगी कपड़े रंगाए मन क्यों नहीं रंगिया, जोगी कपड़े रंगाए मन क्यों नहीं रंगिया। बोलो जोगी कपड़े मन क्यों नहीं रंगिया। तो आओ इत्थे ही समाप्ति है।